पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन की बैठक का आयोजन गांधीनगर स्थित नैनीताल बैंक में किया गया, जिसमें विकास के लिए मानव की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा की गई, जैसे भूख प्यास, अशिक्षा, बेरोजगारी आदि से मुक्ति पाने के लिए युद्ध का आतंकवादी गतिविधियों को रोकना जरूरी है। जैसे बीते दिन हुए पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमला करके भारत के वीर जवानों को धोखे से शहीद किया था, ये घटना पूरे देश के लिए निंदनीय है। इन्हीं सभी विचारों को लेकर अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन ने बैठक कर देश को बचाने के लिए रणनीति तैयार की। साथ ही मीडिया से मुखातिब होते हुए जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमें पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और अपने 44 शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पाकिस्तान के लगभग 44,000 आतंकियों का सफाया करना चाहिए। बैठक को सफल बनाने में जिला मंत्री नेम सिंह, अजय सारस्वत, किशोर जमाल, आलम शिव कुमार, प्रदीप विश्नोई, डॉक्टर एपी सिंह, असद मौलाई, अजय पाल, अशोक अग्रवाल के साथ और भी लोग मौजूद रहे। क्या उद्देश्य है इस मीटिंग का? ये जो है अखिल भारत शांति एवं एकजुटता संगठन की तरफ से रखा गया है। ये आज की तारीख में देश के अंदर जो मौजूदा जहर भरी जो हालात है उसके वो निर्मूलन करने के लिए, लोगों को एकजुट करने के लिए आह्वान देने के लिए बना है। और किसी भी सूरत और साथ साथ, जैसे मैंने अपने शब्दों में भी थोड़ी देर पहले कहा, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की विदेश नीति जो है एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब विदेश नीति देश के हितों के लिए होना चाहिए, ना कि अमेरिका की रणनीति का हिस्सा बनने के लिए नहीं, या अमेरिका के हितों को ध्यान में रखते हुए अपना विदेश नीति जो है चलाना नहीं चाहिए। और हमारी विदेश नीति भी, जैसे पहले हमने एक निरपेक्ष आंदोलन का नेतृत्व दिया, हिंदुस्तान जो है एक हिंदुस्तान की एक नैतिक ताकत, एक नैतिक कीमत जो है पहले भी रहा गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, जिसमें 100 मुल्क थे, 100 से भी ज़्यादा मुल्क, उसका जो हिंदुस्तान ने नेतृत्व दिया, मतलब जो विकासशील देश है उनके हितों के लिए भी हम जो ध्यान में रखेंगे। ये नहीं कि हम जो है दूसरे विकासशील देशों को जो है बिल्कुल भूल गए, हम लोग सोचें कि सिर्फ अपना ही हित के लिए काम करेंगे, ऐसा नहीं है। तो हमारा हित और अन्य जो पिछड़े हुए जो देशों के साथ जो है ज़्यादा है, ना कि हमारा हित जो है अमेरिका के हित के साथ जुड़ा हुआ है या किसी और जो है विकसितशील देश के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो हम लोग इसी वजह से कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी दोबारा भी बता रहा हूँ, यानी कि हमारा विदेश नीति अपनी देश के हितों, खुद के हमारे देश के हितों को लेके होना चाहिए, ना कि अमेरिका या किसी साम्राज्यवादी देश का जो हितों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए, उनकी रणनीति में भी हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये बात भी हम कह रहे हैं। और साथ साथ हम जो है खुल के जो है आवाम को जो है आह्वान करना चाहते हैं, भाई किसी भी तरीके से आज की तारीख में जो सरकार जो यहाँ रूल कर रहे हैं, जिनको जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आप जानते हैं, उसको हम फासीवादी ताकत मानते हैं। मैं हिंदुस्तान के आवाम से जो हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहते हैं, किसी भी सूरत में इस फांसीवादी सरकार को दोबारा आने मत देना।